प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके स्टडी पॉइंट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही खास वीडियो लेकर आ चुका हूँ आपके लिए। वीडियो इतना खास होगा बहुत। तो आज के जो हमारा टॉपिक है, रबी की फसल है भाई। क्या टॉपिक है? रबी की फसल है। तो भाई, रबी की फसलें कौन कौन सी होती है बहुत ही अच्छी ढंग से आपको मैं बताऊँगा। और रबी की फसल की जो मतलब बुआई होती है कौन से महीने में होती है, कटाई कौन से महीने में होती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको देखना है, आप अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन एग्ज़ाम में भी कुछ क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही खास वीडियो होगा। तो रबी की फसल की भाई जो बुआई होती है, बुआई अक्टूबर के महीने में होती है। अक्टूबर नवंबर के महीने में भाई इसकी बुआई होती है। बहुत ध्यान रखना है कि रबी की फसल की जो कटाई बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, और जो कटाई होती है वो मार्च अप्रैल के महीने में होती है। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं फसल कौन कौन सी है। सबसे पहले तो प्याज है, प्याज। नंबर दो सरसों, फिर मशहूर, बरसीम, मूली। नेक्स्ट हमारी जो फसल है कौन सी, आलू, गाजर, मटर, गेहूं, चना। तो भाई ये फसल कौन सी है, रबी की फसलें कौन से महीने में बो जाती है, अक्टूबर नवंबर में बो जाती है, कटाई होती है मार्च अप्रैल में। तो प्यारे बच्चों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना है, और हमें बताना है कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो एक बार और बताता हूँ मैं आपको, रबी की फसलें कौन कौन सी हैं। प्याज, सरसों, मशहूर, बरसीम, मूली, आलू, गाजर, मटर, गेहूँ, चना। ये कौन सी है भाई, रबी की फसलों में आती हैं, रबी की फसलें। और बुआई अक्टूबर नवंबर, कटाई मार्च अप्रैल में। तो भाई गुड, नाइस।